से मारो कि जोनाथन व्हाट इज आर्चर बीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं देखिए स्प्रे आएगा, ग्रेनेड भी आएगा, फाइट हो सकती है, बिल्कुल वो फाइट होता हुआ देखने को मिल रहा है। जोनाथन दूसरी तरफ एनटीटी के दो खिलाड़ियों के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं और देखने वाली बात है क्या वहां पे एलिमिनेट कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाला तरफ तरफ नजर डालें, एनिग्मा के प्लेयर्स यहां पे काफी बड़े मुसीबत गॉब्लिन की तरफ से एमजी के डॉन को चल दिया जाएगा। व्हीकल का काफी अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है और अब यहां से क्या टीम सोल अटैक के अप में जाएंगे या फिर पीछे हटना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि केवल 18 सेकंड्स बचे हुए। मैं बस यही कहूंगा कि यू नो गाड़िया सिर्फ रोटेशन के लिए नहीं, आप जरूर प्लेयर नॉकआउट्स के लिए भी निकाल सकते हैं, उसका फायदा उठाया जाएगा। करंटली ग्रेनेड के साथ साथ पुश करने की कोशिशें चल रही है, घोस्टी का पोजीशन फिलहाल के लिए नहीं पता है, टीम सोल को क्लोजिंग कर चुके हैं, घोस्टी फिलहाल के लिए इंतजार कर रहे, स्मोक के अंदर ये वेट किया जा रहा है। जरूर पेन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, देखिए स्प्रे आएगा, ग्रेनेड भी आएगा गॉब्लिन की तरफ से जिससे घोस्टी को नॉकआउट किया जाता है। मार्कोस गेमिंग दो खेल का इतना अच्छा स्थान था यहाँ पे टीममेट के पास, बट ओमेगा आगे आते हैं उन्हें रनिंग व्हीकल से डाउन करने के साथ ही बाहर कर दिया था शैडो की तरफ से। लेकिन सेम रोटेशन में टीम सोल के खिलाड़ी को हम देख पाए थोड़ा सा बिखर गए क्योंकि ओमेगा को फॉलो किया जा रहा था और उस फॉलो करने के दौरान यहाँ पे दिक्कत रहेगा। सुनामी ने अपने टीममेट को मौली किया और साथ साथ वीरू को वहां पे डाउन करने में कामयाब हो जाते। क्लाउडी की तरफ से ग्रेनेड गॉब्लिन की तरफ जाता हुआ, गॉब्लिन फंस चुके हैं यहाँ पे, अब उनको फाइट लेना पड़ेगा वरना उनके लिए यहाँ पे दिक्कतें खड़ी हो सकती है। फाइट की बात करें फाइट लिया जाएगा, नूब को डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं, गॉब्लिन भी आ चुके हैं, अक्षत भी दूसरे एंगल से गॉब्लिन का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल गॉब्लिन फिलहाल के लिए आगे बढ़ने की कोशिश चलेगी, बट देखिए अक्षत का ये प्लान बेहतरीन तरीके से नॉकआउट निकाल के जाएगा। एक और ग्रेनेड आएगा हेक्टर की तरफ से, एंटिटी ऑन द बैक फुट सफाया किया जाता है एंटिटी गेमिंग का। कैसे प्लेयर को बाहर करें जो कि पोजीशन पॉइंट के लिए निकले हैं, साथ ही साथ टेबल टॉपर में ओआर अपनी दावेदारी इस मैच के साथ रख सकते हैं। गॉब्लिन को प्लान स्पॉट करने से पहले रेड को स्पॉट किया गया, आदित्य की तरफ से उन्हें मैच से बाहर कर देते हैं। हेक्टर सबसे बड़ा खतरा रहेगा वो हायर ग्राउंड एडवांटेज नहीं छोड़ना चाहेंगे ओआर की टीम। कंपाउंड का एक्सेस है लेकिन जोन हट चुका है कंपाउंड से, जोन गॉड लाइक एंड सोल के फेवर में है। अक्षर जो प्रोन अभी हुए थे उनको भी उठना पड़ गया है, पोजीशन निकालने की कोशिश चल रही है। सोल के ऊपर स्प्रे नॉकआउट निकाला गया आतंकी के द्वारा, हेक्टर का नॉकआउट एंड एक और एलिमिनेशन या फिर नॉकआउट की तलाश में रहेंगे आतंकी अपने स्प्रे के साथ साथ। रिवाइव देखिए कहां से कर रहे हैं, व्हीकल के ऊपर चढ़ के वहां से रिवाइव दिया जा रहा है गॉब्लिन का, मानो सर वहां पे जरूर से देखने को मिल रहा होगा और उस सर पे शायद शॉट्स लिए जा सकते हैं की तरफ से, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बड़ी कुछ रैंडम स्प्रे कनेक्शन नहीं ढूंढ पा रहे, लॉक करते हैं आतंकी, मानो रुकने का नाम नहीं ले रहे हर बार अपोनेंट के लिए मुश्किलें खड़ती कर चल जाए। आतंकी का आतंक हमें इस मैच में देखने का मौका मिल रहा है, बट जोनाथन कितनी देर से बचे हुए हैं, उनकी पूरी टीम जब 14 टीम्स अलाइव थे तब एलिमिनेट हो चुके हैं, अपने टीम को टॉप 4 में ला चुके हैं जोनाथन। एंड साथ ही साथ अगर आप फिनिशेस की बात करेंगे, सोलो सिंगल हैंडेडली 4 फिनिशेस भी हमें देखने का मौका मिल रहा है। अभी सोल एंड गॉडलाइक की जो पोजीशन है वहां से आगे आना मुश्किल है, लेकिन वो कंपाउंड में बैठी हुई टीम को बहुत ज्यादा कर सकते हैं। ओआर एक अकेली लौटी टीम है जिनके पास चारों खिलाड़ी अलाइव हैं, लेकिन जोन में कैसे आएंगे, अभी उनके हाथ में एक माइन रहेगा, इस माइन के ऊपर अगर कोई खिलाड़ी चलते हैं दिस इज गोना बी अ ह्यूज ह्यूज मिस्टेक। बट आदित्य आगे आ रहे हैं, जोनाथन पोजीशन निकाल चुके हैं, बट अक्षत के द्वारा ये नॉकआउट निकाला गया है, स्प्रे लिया जा रहा है ओआर जेली के ऊपर भी, लेकिन नॉकआउट लेने में असक्षम। एंड इसी के साथ साथ आई बिलीव जोनाथन सोल का भी पोजीशन चेक करने में कोई भी गलती नहीं करेंगे। देखिए पोजीशनिंग मुझे लगता है पता चल चुकी है और सोल के खिलाड़ी काफी ज्यादा ऑफ गार्ड है, ओपन में यहाँ पे दौड़ लगा चुके हैं, इस बात का अगर अंदाजा जोनाथन को यहाँ पे लग जाता है कि वो टॉप 2 पे आ चुके, उनका स्प्रे वहां पे आने की पूरी यहाँ पे संभावना रहेगी। अभी की बात करें टीपी ले रहे कितना समय तक अपने आप को रोक सकते हैं, ग्रेनेड जाएगा गॉब्लिन का, जल्दी आदित्य दोनों को यहाँ पे टेक आउट करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अभी भी ये खिलाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिलेंगे। जली को फिलहाल वापस से एक और ग्रेनेड जाएगा, लेकिन जोनाथन भी यहाँ पे अभी की तरफ ये ग्रेनेड जाने के चांसेस रहेंगे, क्या कनेक्शन ढूंढने में कामयाब होगा, बिल्कुल प्लेस बोर्ड का हल्का सा शायद वो डैमेज और अभी गॉब्लिन को जरूर लॉक भी प्लेस बोर्ड से मैच से मारेंगे जोनाथन वर्सेस आर्चर 1v2 आखिरकार सोल वर्सेस गॉड लाइक, ये फाइट सब चाहते थे, जनता भी चाहती थी एंड यहां पर हमें देखने का मौका मिल रहा है। गॉब्लिन वर्सेस अक्षत वर्सेस हेक्टर नहीं है यहां पर, अक्षत हेक्टर एंड गॉब्लिन वर्सेस जोनाथन देखने का मौका मिलेगा। 1v3 का मौका है जोनाथन के पास, टीम सोल विद अ 13 फिनिश गेम 14 फिनिशेस गेम टीम सोल के लिए।
with the